हेलो फ्रेंड, टुडे वी कैन डिस्कस अबाउट द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। मतलब हम लोग का लाइफ का इवोल्यूशन कैसे कैसे होके इस स्थिति में आ गया, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसका जो इवोल्यूशन का थ्योरी था, दो थ्योरी हम लोग का बेसिकली दिया गया, उसको माना जाता है। एक था लामार्क ने दिया था तो उसे लामार्किज्म कहते हैं, डार्विन ने दिया था तो उसे डार्विनिज्म थ्योरी कहते हैं। तो उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, सिर्फ आज ही एक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। लामार्क थ्योरी इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसको जो प्रपोज किया था, पता किया था जेन बैप्टाइसी ने लामार्क। तो लामार्क जिसका नाम था, इसी के नाम से लामार्किज्म थ्योरी का नाम। आपको पता है साइंस में ज्यादा जितना भी हम लोग का रिसर्च होता है, पता लगता है कोई भी चीज, अगर जिस व्यक्ति ने पता लगाया तो उसको उसी के सर नेम से उसका नामकरण हो जाता है। जैसे फोर्स के बारे में न्यूटन ने पता लगाया था तो उसका ऐसा यूनिट क्या मान देगा, न्यूटन मान दे। जूल, एनर्जी के बारे में जूल ने पता लगाया तो उसका यूनिट क्या मान दे, जूल। तो ऐसे जो जो प्रपोज करता है उसी के नाम से उसका नामकरण हो जाता है, ठीक है। तो इसको जो 1889 AD में इसको क्या गया था, पता गया था। तो उन्होंने तीन एक्सप्लेनेशन दिया था इस थ्योरी के बारे में। तीन एक्सप्लेनेशन क्या था कि कैसे कैसे लाइफ ओरिजिनेट होता है, कैसे कैसे डेवलपमेंट ग्रोथ होते होते आया इस स्थिति में। तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, डायरेक्ट एनवायरमेंटल इफेक्ट। मतलब कि जहाँ का ऑर्गेनिज्म, कहीं भी का ऑर्गेनिज्म है, अगर वहाँ का ऑर्गेनिज्म है उस तरह है तो समझ लो उसका किसका नतीजा है, इन्वायरमेंटल का डायरेक्ट इफेक्ट उस पर पड़ा है, तब वो जाकर उस तरह है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई भी जैसे कोल्ड रीजन में कोई भी हम लोग का जानवर पाया जा रहा है, पोलर बियर पाया जा रहा है, ठंड रीजन में हिमालय में याक पाई जा रही है, तो उसके ऊपर जब देखोगे तो बार क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, फर बहुत ज्यादा होंगे बार, क्योंकि वहां से बचने के लिए, क्योंकि वहां का एनवायरमेंट क्या था, कोल्ड था, तो उसको बचने के लिए उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है ऑर्गेनिज्म पे, तो इसीलिए उसके बार आ जाते हैं। लेकिन जब वही जानवर अगर उसी प्रकार का, उसी परिजात के स्पेसिस का जानवर अगर हॉट रीजन में पाया जाए तो वहां का देखोगे तो स्किन होगा उतना ज्यादा, उसके हेयर वर नहीं होगा, तो सिंपल में रहेगा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है, वहाँ का वातावरण कैसा है वो डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा वहाँ के ऑर्गेनिज्म पे। तो इन्होंने पहला थ्योरी एक्सप्लेनेशन ये दिया था। और दूसरा क्या था, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। मतलब कि इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया था कि ना, द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूजेज। आप जितना ज्यादा कोई भी ऑर्गन का यूज करोगे, अंग का यूज करोगे, प्रयोग में ले आओगे, उतना ज्यादा उसका विकास होगा। अगर आप कोई भी ऑर्गन का ज्यादा यूज नहीं कर रहे हो, उसका यूज नहीं कर, तो बेसिकली उसका जो डेवलपमेंट होगा घटते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो ऑर्गन क्या होगा, आपके शरीर से लॉस्ट हो जाएगा। तो मैंने ऐसा बोला था। जैसे कि आप इसका अगर क्या, जैसे ब्लैक स्मिथ लोहार को देखो, लोहार क्या होता है, बोल लोहार क्या होता है, उसका जो आर्म का मसल्स होगा क्या होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कि वो क्या करे, कंटिन्यूस आप हथौड़े पीटते रह जाए, मतलब हैमरिंग करते रह जाए, तो इसी तरह उसका एडप्ट हो जाता है। और ये होता है हम लोग में, जैसे सांप को देखो ना, सांप का बॉडी क्या होता है, लंबा, सांप का बॉडी लंबा होता है, इलोंगेटेड होता है, और उसमें लिम्स विम्स नहीं होते कि ताकि क्या क्या वो कंटिन्यूसली लगातार अपने होल में चला जाए अच्छे से ना, कोई उससे रोक के बात ना आए क्रीपिंग करते हुए। तो इस तरह होता है कि मतलब जो ऑर्गन जिस तरह जितना ज्यादा उसका यूज करोगे उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा, अगर आपका यूज लाइक नहीं रहेगा तो उसका क्या होगा, ग्रेजुअली खत्म होता चला जाएगा। तो इस तरह होता है। और तीसरा क्या बोला था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। मतलब कि अगर आपके अंदर कोई भी चीज, कोई भी गुण है, कोई भी कैरेक्टर है, तो वही कैरेक्टर क्या होगा, ट्रांसफर हो गया आपके, अगर कुछ सोच रहे हैं, अगर कुछ सोच रहे हैं, तो वही कैरेक्टर तो आपके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते चला जाएगा। तो इन्होंने इस थ्योरी से क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे कि क्या बताया था, मतलब कि जैसे अगर आप कोई भी ऑर्गन है, आपके पास कोई भी ऑर्गन है, अगर आप सोच रहे कि मुझे ये चाहिए नहीं चाहिए, तो आपके नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन में उस ऑर्गन का विकास हो जाएगा, डिसएबिलिटी हो जाएगा। तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया था, ये बोला था। जिराफ को देखो ना, जिराफ क्या होता है, जिराफ पहले बोले थे इन्होंने प्रपोज किया था, इमेजिनरी किया था कि जो जिराफ होता है ना, तो जिराफ का जो पहले गटर क्या होता है, उसका नेक बहुत लंबा है, लेकिन पहले इसका नेक उतना लंबा नहीं था, इसे जमीन पे घास खाते थे, लेकिन जब जमीन का घास पूरा खत्म हो गया तो उन लोगों की स्केर्सिटी होने लगी, घास की कमियां होने लगी, प्रजाति लोगों का बढ़ गया संख्या, तो उन्होंने सोचा कि मुझे ऊपर वाला चीज खाना पड़े, तो उन्होंने गटैया पाना क्या किया, लंबा लंबा करते गए और सोचते गए। तो वही कैरेक्टर क्या हुआ कि उसने सोचा, एक जनरेशन से सोचा कि मेरा गटे जो लंबा हो जाए कि मैं ताकि उस पेड़ को खा सकूं, तो दूसरे ने जनरेशन उसका गटे लंबा, उसने सोचा और लंबा हो जाए, तो ऐसे से सोचते गए, उन लोगों का कैरेक्टर क्या हुआ, जो वो सोचे इनहेरिटेड हो गया, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते चला गया जिस तरह वो चाहते थे। तो इन्होंने तीन एक्सप्लेनेशन दिया था। अब बात करते हैं कि इनका क्रिटिज्म क्या था, मतलब आलोचना क्या था, इनको कमियां क्या क्या थी कि इसको डिसअप्रूव्ड कर दिया गया था, मतलब क्या क्या मिस्टेक थी इसमें, तो इन वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। इसको इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन नहीं माना जाता, डार्विन का ज्यादा तक बेसिकली उसका भी 100% पूरा नहीं है, लेकिन अभी तक कोई थ्योरी नहीं आया, इसीलिए उसी थ्योरी को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है। तो इन्होंने क्या, इसकी क्या कमी थी, ही डजंट प्रूव द
एक्सपेरिमेंटली डेट यूज एंड दिस इज ऑफ ऑर्गन कैन बी मॉडिफाइड देम। इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया था कि अगर आप कोई भी ऑर्गन यूज कर रहे हो तो उसका क्या होगा, उसका ग्रोथ जो होगा बढ़ेगा, और नहीं यूज कर रहे हो तो क्या होगा, मॉडिफाई होकर खत्म हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटली इन्होंने प्रूव नहीं किया, थ्योरेटिकली उन्होंने सिर्फ बताया था, ठीक है। और दूसरा जो था क्या था, इट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट दैट अ न्यू ऑर्गन कैन बी डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द नीड एंड वॉइस ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब ये तो एकदम 100% सही ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म का, कोई भी बॉडी में अगर कोई ऑर्गन डेवलप कर रहा है तो उसके अनुसार, उसके आवश्यकता अनुसार, उसके वॉइस अनुसार, चाहना अनुसार क्या होगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। अगर इस तरह होता तो मनुष्य चाहे थे इस जनरेशन में, मनुष्य चाहे थे क्या, मेरे पास पंख है तो मैं चिड़िया की तरह उड़ सकता तो आ जाता ना, आदमी की इच्छा अनुसार, आदमी की आवश्यकता अनुसार उसके बॉडी में ऑर्गन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अगर आज तो इंसान क्या कहने सोचते हैं, सोचते कि सबसे हाई वाला, सबसे लंबा इंसान बन जाऊं, मेरे पास पंख आ जाए, मैं उड़ सकूं, तो ऐसा सोचते। तो ऐसा सोचने से क्या डेवलपमेंट आ सकता है, कुछ विकास हो सकता है, उस आदमी का नहीं हो सकता, तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग माना गया था। और तीसरा कारण क्या था, ऑल द एक्वायर्ड कैरेक्टर आर नॉट इनहेरिटेड इनटू द न्यू जनरेशन। मतलब कि जो तुम इस जनरेशन में चाह रहे हो ना, इस जनरेशन में जो तुम्हारे अंदर गुण है वो पूरा गुण क्या होगा, ट्रांसफर इनहेरिटेंस के मात्रा से कुछ तो चला जाएगा, लेकिन पूरा जो कैरेक्टर हो, कैरेक्टर जो होगा क्या होगा, पूरा नहीं चला जाएगा। जैसे आप क्या सोच रहे हो वही जनरेशन आपके नेक्स्ट जनरेशन में चला जाएगा, नहीं जाएगा ना। कि आप जैसे जिराफ जो था, जिराफ जैसे जिराफ क्या था, जिराफ को लोग सोच रहे थे पहले, छोटे जिराफ थे गटे वाले, तो उन्होंने सोचा कि मेरा जो गटे ही है लंबा हो जाए तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाला चीज खा सकूंगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो सोचे उसका चला गया, वो सोचे उसको चला गया, तो ऐसा ऐसा एक्वायर्ड हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, ये वेरिएशन की वजह से होता है ज्यादा, उसके सोचने से आदमी में क्या होगा, इनहेरिटेंस पूरा कैरेक्टर डेवलपमेंट है। नहीं तो इस जनरेशन में आदमी सोच लेता है कि मेरे आने वाले जनरेशन एलियन की तरह हो जाए, ऐसा हो जाए, पक्षी की तरह हो जाए, एकदम पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाए, कैसे कैसे लोग सोच लेते हैं। और आज हम लोग का वेरिएशन इतना ज्यादा हो जाता है, आज इंसान बने थे लोग क्या क्या हो जाते हैं, जानवर डायनासोर सब बन के निकल जाते हैं। तो इस तरह क्या होता है, सोचने से आपको जो कैरेक्टर आपके अंदर है वो पूरा क्या होगा, ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। क्या आप सोच रहे हो कैसा आपको कि पूरा ट्रांसफर वैसा नहीं हो जाएगा कि आपके फ्यूचर जनरेशन में चला जाएगा। तो यार अगर इनका थ्योरी जो सही होता तो इंसान क्या करता, फ्लाई करता, इंसान का हाइट इतना बड़ा बड़ा होता, इंसान इतना छोटा होता, मतलब कि जो चाहता जो इंसान हो जाता, अपने इच्छा अनुसार। आप बोलते थे कि मेरे पास गिल साजे, मैं पानी में सांस ले सकूँ, मेरे पास लंग्स ना रहे, मेरे पास मेरा बॉडी का बोन जो है इम्यूनिटी बन जाए कि मैं हवा में अच्छे से फ्लाई कर सकूँ आप थ्रस्ट के माध्यम से, तो आदमी जो सोचता वही हो जाता। तो इसका थ्योरी क्या हो गया था, बेसिकली उतना इफेक्टिव नहीं माना गया था, रॉन्ग हो गया था, दरोजन का थ्योरी ज़्यादा प्रियटिव माना जाता है। सिंपली इतना था, आप समझ लो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।